गुजरात में चुनाव प्रचार के दौरान यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने केजरीवाल पर बड़ा हमला बोला। योगी आदित्यनाथ ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी का दिल्ली से आया नमूना आतंकवाद का सच्चा हितैषी है। वो अयोध्या में राम मंदिर का विरोध करता है और जब भारत की सेना पाकिस्तान में जाकर सर्जिकल स्ट्राइक करती है तब ये भारत के बहादुर जवानों से कहता है कि इसका प्रमाण क्या है। जो आम आदमी पार्टी का नमूना आया है ना यहाँ दिल्ली से, यह तो आतंकवाद का सच्चा हितैषी है। अयोध्या में राम मंदिर का विरोध करता है और जब भारत की सेना पाकिस्तान के अंदर जाकर के सर्जिकल स्ट्राइक करती है तब भारत के सैनिकों से कहता, बहादुर जवानों से कहता है इसका प्रमाण क्या है। बहादुर जवानों से प्रमाण मांगा जाता है। गुजरात विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने भी जोर लगा दिया है। भावनगर में अरविंद केजरीवाल ने रोड शो किया। उन्होंने गीता के पाठ की याद दिलाई। केजरीवाल ने कहा कि गीता में लिखा है जब पाप का घड़ा भरता है तो ऊपर वाला झाड़ू चलाता है। ऊपर वाला झाड़ू चलाने लगा है, गुजरात जुट गया है, बदलाव होने वाला है। केजरीवाल ने दावा किया कि 1 मार्च के बाद बिजली का बिल देने की जरूरत नहीं है, आपका भाई बिजली का बिल देगा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शनिवार को गुजरात चुनाव के लिए पार्टी का संकल्प पत्र जारी कर दिया। बीजेपी के संकल्प पत्र में प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए बनाई गई कमेटी की सिफारिशें लागू करने की बात कही गई है। इसके साथ बीजेपी ने वादा किया है कि आयुष्मान भारत के तहत दिया जाने वाला हेल्थ कवर 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख किया जाएगा। शिक्षा की दृष्टि से 10,000 करोड़ रुपए के बजट से आने वाले 5 सालों में 20,000 सरकारी स्कूलों को स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा। इसके साथ ही संकल्प पत्र में रोजगार, महिलाओं को लेकर कई घोषणाएं की। जो हमारी समिति बनी है गुजरात में यूनिफॉर्म सिविल कोड का, उस समिति का रिकमेंडेशन अक्षर से हम लागू करेंगे। इसको उनके खिलाफ एंटी रेडिकलिज्म सेल बनाया जाएगा। गुजरात में बीजेपी के संकल्प पत्र में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के वादे पर एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी ने हमला बोला। ओवैसी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को दलितों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों के खिलाफ बताया। ओवैसी ने कहा कि बीजेपी गुजरात के असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा करती है। ये बात का तो पहले भाजपा ने जिक्र किया है और हमारी पार्टी यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ इसलिए है क्योंकि वो अल्पसंख्यक समाज, आदिवासियों, दलित के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा और मेजॉरिटी कम्युनिटी के लिए वो हिंदू कोड होगा। तो आर्टिकल 29 के तहत मुझे अपने कल्चर का प्रोटेक्शन का अनफेटर्ड राइट, फंडामेंटल राइट है मुझे। तो भाजपा ये मेरा कल्चर का राइट मुझसे नहीं छीन सकती। दिल्ली की शराब नीति घोटाले में ईडी ने भी चार्जशीट दाखिल कर दी। ईडी की चार्जशीट में भी डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का नाम नहीं है। हालांकि ईडी ने कोर्ट को बताया कि हम अभी सिर्फ समीर महेंद्रू के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर रहे हैं, जल्द ही दूसरे आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की जाएगी। ईडी की चार्जशीट में भी मनीष सिसोदिया का नाम नहीं होने पर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर हमला बोला। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ईडी की चार्जशीट में भी मनीष सिसोदिया का नाम नहीं है। केजरीवाल ने सवाल किया कि शिक्षा क्रांति से दुनिया में भारत का नाम रोशन करने वाले मनीष सिसोदिया को झूठे केस में फंसाने के लिए क्या मोदी जी को देश से माफी नहीं मांगनी चाहिए? अच्छा काम करने वालों को जेल में डालने से क्या देश आगे बढ़ेगा? वहीं मनीष सिसोदिया ने ट्वीट किया कि 800 अफसरों की टीम ने 500 जगह रेत कर जो चार्जशीट बनाई है उसमें मेरा नाम नहीं है। सीबीआई और ईडी की चार्जशीट ने साबित कर दिया कि कोई शराब घोटाला नहीं हुआ। तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन का एक और वीडियो सामने आने के बाद इस पर सियासी घमासान मचा हुआ है। बीजेपी नेता इसे लेकर लगातार हमला बोल रहे हैं। बीजेपी के हमलों का जवाब देते हुए दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने कहा इसका जवाब उन्हें दिल्ली की जनता देगी। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि एमसीडी चुनाव बीजेपी के 10 वीडियो बनाम केजरीवाल के 10 काम पर होगा। 4 दिसंबर को जनता इसका जवाब देगी।
मेरा ये कहना है एमसीडी का चुनाव अब बड़ा क्लियर होता जा रहा है। भाजपा के 10 वीडियो बनाम केजरीवाल के 10 काम। जनता को तय करना है कि वो उनको भाजपा के 10 वीडियो चाहिए या केजरीवाल के 10 काम चाहिए, केजरीवाल के 10 गारंटी चाहिए। 4 तारीख को चुनाव है, 4 तारीख को दिल्ली की जनता, मेरे को कुछ कहने की जरूरत नहीं है, दिल्ली की जनता इन वीडियो सारे वीडियो का जवाब दिल्ली की जनता। मैनपुरी उपचुनाव के प्रचार के बीच शिवपाल यादव ने बड़ा बयान दिया है। शिवपाल यादव ने कहा कि 2022 के चुनाव में मुझे जिम्मेदारी नहीं मिली थी। उन्होंने कहा कि जिम्मेदारी मिलती तो हर विधानसभा क्षेत्र में 10 से 50 हजार वोट बढ़ जाते। शिवपाल यादव ने दावा किया कि तब चुनाव में समाजवादी पार्टी को 250 सीटों पर जीत मिली होती और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री होते। उन्होंने मैनपुरी उपचुनाव को लेकर कहा कि इस चुनाव में यहां हमें पूरा समर्थन मिल रहा है, अब हमें एक रहना है। प्रदेश में जारी शराबबंदी को और कामयाब बनाने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा ऐलान किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐलान किया कि बिहार सरकार शराब का धंधा छोड़ने वालों को 1,00,000 रुपए देगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि केवल शराब ही नहीं बल्कि ताड़ी बेचने वालों पर भी ये स्कीम लागू होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में शराब के मामले में गिरफ्तारी तो हो रही है, लेकिन उनकी गिरफ्तारी हो रही है जो शराब पीते हैं। नीतीश कुमार ने कहा कि राज्य में उनकी गिरफ्तारी कम हो रही है जो शराब का धंधा करते हैं। श्रद्धा मर्डर केस के आरोपी आफ्ताब को कोर्ट ने 13 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। कोर्ट के आदेश के बाद आफ्ताब को तिहाड़ जेल भेजा गया। शनिवार को आफ्ताब की पुलिस रिमांड खत्म हो रही थी, जिसके चलते उसे अंबेडकर अस्पताल से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया गया। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया। यूपी के औरैया में 55 साल के शख्स की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। दरअसल ईंट भट्टा के मुनीम का शव बाथरूम की सीढ़ियों पर पड़ा मिला। शव के पास ही खून के निशान दिखाई दिए। मुनीम की मौत की वजह अभी भी अज्ञात है। परिजनों की शिकायत पर संदिग्ध व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस सभी तथ्यों और सबूतों के आधार पर कार्रवाई कर रही है। यूपी के अमरोहा में अवैध संबंध के चलते बेटों ने मां के प्रेमी की हत्या कर दी। आरोपियों ने युवक के सिर पर खुरपी से हमला कर उसकी जान ले ली। फिलहाल पुलिस ने हत्या के आरोप में दोनों आरोपियों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है, जिनके कब्जे से हत्या में इस्तेमाल किए जाने वाला हथियार भी बरामद कर लिए गए हैं। वहीं हत्या में शामिल तीसरा आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। पहले मैच में उलटफेर का शिकार हुई अर्जेंटीना टीम की नॉकआउट में पहुंचने की उम्मीद अभी बची हुई है। देर रात खेले गए मुकाबले में अर्जेंटीना ने मैक्सिको को 2-0 से हरा दिया। एक बार फिर मेसी ने अर्जेंटीना के लिए पहला गोल दागा। दूसरा गोल खेल के आखिरी क्षणों में एंजो फर्नांडिस ने किया। फ्रांस लगातार दूसरी जीत दर्ज कर नॉकआउट राउंड में पहुंच गया। कल खेले गए मैच में फ्रांस ने किलियन एम्बापे के डबल गोल से डेनमार्क को 2-1 से हरा दिया। एम्बापे ने मैच के आखिरी मिनटों में निर्णायक गोल किया। हाफ टाइम तक दोनों टीम गोल नहीं कर पाई थी। डेनमार्क के लिए एकमात्र गोल क्रिश्चियनसन ने 68वें मिनट में किया। फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप के 7वें दिन ऑस्ट्रेलिया ने टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत हासिल की। उसने ग्रुप डी में ट्यूनिशिया को 1-0 से हरा दिया। इस जीत के साथ ही उसके खाते में 2 मैचों में अब तक 3 अंक हो गए हैं। ऑस्ट्रेलिया अभी भी प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचने का दावेदार बना हुआ है। बता दें कि ऑस्ट्रेलिया के लिए मिशेल ड्यूक ने इकलौता गोल किया। ये इस विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया का पहला गोल था। उसके लिए पिछले मैच में क्रेग कोडविन ने फ्रांस के खिलाफ गोल किया था, लेकिन टीम को 1-4 से हार मिली थी। ऑस्ट्रेलिया की टीम 6ठी बार वर्ल्ड कप में खेल रही है। उसे 17 मैचों में सिर्फ 2 जीत मिली है, 4 मैच ड्रॉ हुए हैं और 11 मैचों में कंगारू टीम हारी है। उसने 2006 में जापान और 2010 में सर्बिया को हराया था। ऑस्ट्रेलिया 2006 में प्री क्वार्टर फाइनल तक पहुंचा था। अम्बाला छावनी में 3 दिन का राष्ट्रीय तैराकी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें देश भर के 750 तैराकों ने भाग लिया है। तैराकी प्रतियोगिता के सभी तैराकों में उत्साह नजर आया और इसके साथ तैराकों का मुकाबला भी कड़ा रहा। नौजवानों के साथ बुजुर्गों ने भी भाग लिया और उनका उत्साह भी नौजवानों से कम नहीं था। इसी दौरान तैराकी में भाग लेने के लिए बिहार से लालपरी 82 साल की नेशनल स्विमर पहुंची, जिन्होंने 100 मीटर की तैराकी में गोल्ड मेडल जीता, जो कि कई बार लोगों को नहर में डूबने से भी बचा चुकी है। लालपरी राय इससे पहले भी कई बार तैराकी की प्रतियोगिता में नेशनल मेडल जीत चुकी हैं और 30 साल से तैराकी कर रही हैं।
साइबर सिटी गुरुग्राम के मोजियो कैमरा में एक कला का प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें देश के अलग अलग कोने से 11 कलाकारों ने भाग लिया है। ये एक तरीके का एग्जीबिशन है जिसमें सभी कलाकारों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया है। ये प्रदर्शनी 25 नवंबर से शुरू हो चुकी है। इस एग्जीबिशन में कलाकारों की पेंटिंग्स का लुत्फ उठाने के साथ साथ खरीद भी सकते हैं। इन सभी कलाकारों का मुख्य उद्देश्य उन कलाकारों को दोबारा से उभारना है जिन्होंने कोरोना महामारी के चलते हार मान ली थी, इसलिए सभी कलाकार फिर से अपना हुनर दुनिया को दिखाने निकल पड़े हैं। इस बार उत्तर मध्य रेलवे ने कोहरे की वजह से ट्रेन कम लेट हो इसका उपाय निकाल लिया है। एनसीआर से गुजरने वाली 978 ट्रेनों को फॉग सेफ डिवाइस से लैस कर दिया गया है। ये डिवाइस जीपीएस आधारित जापानी तकनीक का है। इससे लोको पायलट को सिग्नल और ट्रैक के क्लियरिंग के संकेत 1500 मीटर पहले से ही मिलने लगेंगे। इस बार कोहरे की वजह से ट्रेनों की स्पीड पर असर कम पड़ेगा। अक्सर ठंड में कोहरे की वजह से सिग्नल नहीं देखने पर ट्रेनों को रोकना पड़ता था, लेकिन इस डिवाइस के लग जाने से यात्री को ट्रेन देरी से चलने के झंझट से मुक्ति के साथ साथ लोको पायलट को भी काफी सहायता मिलेगी। आजादी के बाद गांव में पहली बार दलित की बारात धूमधाम से निकली है। उत्तर प्रदेश के संभल में 5 दर्जन पुलिस वाले शामिल थे। जवानों ने बारात को पूरी सुरक्षा दी थी। एक दलित बेटी की पिता ने पुलिस अधीक्षक को एक पत्र भेजा जिसमें लिखा था कि गांव के स्वर्ण समाज के लोग दलित के बेटे या बेटी की बारात नहीं चढ़ने देते। ये परंपरा अभी नहीं देश की आजादी से चली आ रही है। उसकी बेटी की बारात आ रही है और वो चाहता है कि उसकी बेटी की बारात गांव में घोड़े बाजे के साथ चढ़े।